हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टेक सल्यूशन और मैं हूं सुनील। आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और उसी के बीच आपका जो कीबोर्ड है वो काम करना बंद कर चुका है या खराब हो चुका है, तो उस समय आप क्या करोगे? या अपने प्रोजेक्ट को क्लोज करके कंप्यूटर को शट डाउन कर दोगे, या इस वीडियो को फॉलो करके अपना काम स्टार्ट रखोगे? तो अगर आप अपना काम स्टार्ट रखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किसी से अपने कीबोर्ड के कीज को चेक कर सकते हो और अपने माउस के कीज को भी चेक कर सकते हो। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका कीबोर्ड खराब हो चुका है तो उस समय आप क्या करोगे। मैं यहाँ पर यह मान के चलता हूँ कि आपका जो कीबोर्ड है उसमें से कुछ कीज काम करना बंद कर चुकी परमानेंटली, तो उस समय आपके लिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो वर्क करेगा। आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है OSK, उसके बाद एंटर हिट कीजिए और यहाँ पर आपके सामने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ से अपना काम कंटिन्यू रख सकती हो। बट अगर आपका जो कीबोर्ड है वो पूरे तरीके से काम करना बंद कर चुका है तो उस समय आपके पास ऑप्शन 2 वर्क जरूर करेगा। उसके लिए आपको अपने माउस के राइट क्लिक से कीबोर्ड को इनेबल करना है। तो उसके लिए अपने टास्क बार पे आइए और यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए शो टच कीबोर्ड बटन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। आपको इसे चेक कर देना है, ये आप में अनचेक होगा, कुछ इस प्रकार से शो नहीं करा होगा, तो आपको इसे जस्ट चेक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कीबोर्ड का आइकन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर क्लिक कीजिए। ये देखिए आपको कीबोर्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ से आप टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल में जाता हूँ तो यहाँ पर न्यूमेरिकल कीज भी देखने को मिल जा रही है, सिंबल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इमोजीज भी देखने को मिल जाएगा, यहां से आप इमोजीज भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर आप यहां से अपने कीबोर्ड में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, किसी और लेआउट में यूज करना चाहते हो, तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि यह आपका डिफॉल्ट कीबोर्ड होता है जहां पर आप विंडोज कंट्रोल फंक्शंस का भी उपयोग कर सकते हो। जैसे आप फंक्शन पर क्लिक करोगे यहां पर F1 से लेकर F12 तक कीज आपको विजिबल हो जाएगा और जैसे यहां पर आप फंक्शन को अनचेक कर दोगे ये आपका नॉर्मल कीज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, तो ऐसा भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है, जैसे ये ई चला गया, ये 5 में गया, ये भी इस प्रकार से आप ड्रॉ करके भी टाइप कर सकते हो। और मैं यहाँ पर सुनील टाइप के तौर ड्रॉ करके SUNIL, ये देखिए आपको यहां पर देखिए सुनील लिख दिया इसने, तो यहां पर आप ड्रॉ करके भी टाइप कर सकते हो। और इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपको अपने कीबोर्ड से इमोजीज के लिए ऑप्शन इजीली मिलता नहीं, तो इसी तरीके से आप टाइप कर सकते हो और जो भी यहां पर आप टाइप करोगे ना वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और इसे आप कहीं पे भी अपने स्क्रीन पर रख सकते हो। और यहाँ पर आप एडिटिंग टिप्स पे भी चेक कर सकते हो कि आप किस से एडिट कर सकते हो। यहाँ पर टिप मिल जाएगा आपको यहाँ पर ऑनलाइन जाने पर, और वहाँ से आप इसके कीबोर्ड लेआउट को भी चेंज कर पाओगे। तो आप यहाँ से कीबोर्ड के स्टाइल को चेंज कर पाओगे, जैसे कि ये पोर्टेबल हो गया, अब मैं इसे स्क्रीन के किसी भी हिस्से पर रख दूंगा और वहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। बट ये जो है वो हमारा फिक्स है, आप इसे ड्रैग नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो अगर आपके पास इंस्टॉल है कोई लैंग्वेज तो अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ सेटिंग को। उसके बाद यहाँ पर आप सेटिंग्स को ओपन कर पाओगे कीबोर्ड सेटिंग्स को, और यहाँ पर आपके पास कॉपी पेस्ट के लिए ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ से रन को ओपन करता हूँ तो विंडो प्लस आर प्रेस किया मैंने और यहाँ पर रन ओपन हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ नोटपैड, उसके बाद इंटरनेट कीजिए, आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हो जो भी आपने यहाँ पर टाइप कर रखा है उसे कॉपी करना, तो इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए, इसे कॉपी कीजिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पर डिलीट करके पेस्ट पर क्लिक करते हो वो पेस्ट
लिए यहाँ पर देखिए जो भी आपने कॉपी किया होगा, जिसे आप मल्टीपल कॉपी करके मल्टीपल पेस्ट कर सकते हो, वो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ जाता है। तो इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो और अपने काम को कंटिन्यू रख सकते हो। अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे लाए। अपना टॉपिक और सजेशन आप हमें कमेंट में बता सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @MrShivaKumar। इंस्टाग्राम का लिंक और मेरे वेबसाइट का लिंक आपको दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमें दोनों जगह फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।